अच्छा, आज हम लोग झांसी की रानी के ऊपर कविता करने जा रहे हैं। झांसी की रानी का नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छा, क्या खास बात है, क्यों उनको इतिहास में इतना याद किया जाता है? क्योंकि वो वेरी गुड, सबसे पहली महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लिया था, है ना, जिसने शुरुआत करी थी। तो आप लोगों ने नाटक भी देखा है झांसी की रानी का, आपने देखा कि उनका कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है, कितना शौर्य भरा है उसमें, है ना। कि जब भी हम कभी भी औरतों की ये बात आती है बहादुरी की या उनके शौर्य की, तो हमेशा झांसी की रानी का सबसे पहले नाम आता है, ठीक है। उसी तरह से जब कभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई की बात होती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत किसने करी थी, तब झांसी की रानी का नाम आता है ना। तो झांसी की रानी जो है उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो शुरुआत थी, हाँ, वो उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो आपने क्या उनकी खास बात, आपने जो नाटक में देखा था उसमें क्या ऐसी खास बात थी जो आपको बहुत अच्छी लगी उनके बारे में? आपने नाटक में देखा था तो उसमें क्या खास ऐसी बात थी जो आपको बहुत अच्छी लगी, जो आपको इम्प्रेस कर गई या आपको याद रही? जब वो अपने बच्चे को लेकर के तलवार से लड़ती है, बिल्कुल। और मुसीबत विपत्ति आती है, हाँ विपत्ति, तब भी उनमें साहस था और वो अकेले ही लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। और किसी भी तरह से झांसी की रानी जो थी वो अपना झांसी देने को तैयार नहीं थी, है ना। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान दे दी, अकेली लड़ती रही, लेकिन वो किसी भी तरह से उनके अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। तो आज भी उनको याद किया जाता है, है ना, इस बात के लिए। और ये एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ठीक है। तो आज हम इस कविता में करने जा रहे हैं और कविता का नाम है झांसी की रानी की समाधि पर। समाधि क्या होता है? उसको दफना देते हैं और जो वो जगह होती है उसको समाधि कहते हैं। हाँ, इसी तरह से आपने गांधी जी की समाधि है दिल्ली में, आपने सुना होगा राजघाट पे, इंदिरा गांधी की समाधि है, तो उसी तरह से झांसी की रानी की समाधि के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कविता बोलेंगे और हमारे साथ आप लोग उसको रिपीट करिएगा, फिर हम आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं वह बिखर गई भग्न विजय माला सी, उसके फूल यही संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बल होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी। अब इस कविता को बोलते ही हमारे अंदर एक जोश सा आ जाता है ना, कि जब हम बोलते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी की, तो एक हमारे अंदर एक जोश का आता है। और इनको मर्दानी क्यों कहा जाता है? मर्दों की तरह जैसे एक आदमी में हिम्मत होती है, उसी तरह से मतलब मर्दानी मर्दों की तरह ये लड़ाई के मैदान में उतर पड़ी थी और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है, तो अब हम कविता के बारे में बताते हैं कि वो कहते हैं, कवि कह रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कवि होती है, जो भी कवि या कवयित्री होती है, उनका नाम सबसे आखिरी में लिखा होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उन्होंने ये कविता लिखी है और वो कहती है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक रानी ढेरी, यानी कि जब मनुष्य मर जाता है, जब उसको जला दिया जाता है, तो एक ढेरी भर राखी तो रह जाता है ना। तो ये जो समाधि है रानी लक्ष्मीबाई की, किसकी समाधि है? कह रहे इसमें एक राख की ढेरी छिपी हुई है ना। उसके बाद कह रहे जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, यानी कि जलकर मतलब मरने के बाद जलकर उसने जो है स्वतंत्रता, जो हमारी आजादी की लड़ाई की जब पहली लड़ाई की जब कभी भी बात होती है तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है। तो दिव्य आरती फेरी मतलब शुरुआत उन्होंने की थी। समझ में आया? अच्छा, ये कह रहे यह लगा यह समाधि, यह लघु समाधि, लघु मतलब छोटा है ना, कि ये छोटी सी समाधि है झांसी की रानी की। किसकी समाधि है ये? झांसी की रानी की। और अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। वो कह रहे हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला कहते हैं, जो उनकी जीवन, जो जीवन उनका था, जैसे कहते नहीं कि जैसे उनको बताया जा रहा है कि उनका जो जीवन जो था, जो उनकी जिस तरह से वो रह रही थी, वो जो था अंतिम लीला स्थल, यानी कि उनके जो जीवन का जो अंतिम समय था वो यही समाधि पर खत्म हुआ था, यानी कि जहां पर वो मरी थी उस जगह पर वो समाधि बनाई गई है। और लक्ष्मी मर्दानी की, यानी कि मर्द की तरह उनकी तुलना की गई है, एक आदमियों की तरह उनकी तुलना की है जिस तरह से उन्होंने लड़ाई करी थी। अब आगे वो कह रहे यही कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, यानी कि एक जैसे माला टूटी हुई बिखर जाती है ना, माला बिखर जाती, उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी एक टूटी हुई माला की तरह वो यहाँ पर बिखर गई थी, है ना, समझ रहे हैं? जैसे माला टूट गई थी उसी तरह से वो भी लड़ते लड़ते यहीं पर आखिरी में बिखर गई थी। तो किससे तुलना की गई है? माला से। और उसके फूल यही संचित है, यस है यह स्मृतिशाला सी, कह रहे कि वो जो फूल है, समझ गए, जैसे मोती बिखर जाते हैं उसी तरह से इनके मरने के बाद जो वो फूल थे वो जो है यहीं पर संचित है। संचित मतलब इकट्ठा है ना। और वो कह रहे है यह स्मृतिशाला सी, शाला कहते घर है ना, और स्मृति कहते हैं यादें, तो यादों का घर। स्मृतिशाला मतलब क्या हुआ? यादों का घर, जहाँ पर यादें रह जाती हैं। कहाँ पर यादें रह गई हैं? कहाँ पे बताया गया है? कहाँ पे यादें बताई गई? समाधि पर, है ना। उसी समाधि को जब हम देखते हैं तो उनकी यादें आ जाती हैं या हम उनके बारे में सोचते हैं। अब उनके लड़ाई के बारे में बता रहे कि सहे वार पर वार अंत तक, कि आखिर तक है ना, जब तक वो मर नहीं गई थी तब तक वो वार पे वार सहती रही। इतने सारे अंग्रेज लोग उनके चारों तरफ घेरे हुए थे, अकेली वो वहां से निकल के झांसी से भागती हैं और काफी आगे कानपुर के पास तक आ जाती, ग्वालियर से होती हुई वहां तक वो अकेले लड़ती हुई जाती हैं और वो वार पे वार सहती रहती हैं। लड़ी वीर बालासी, वीर बालासी मतलब एक वीर लड़की की तरह। अब देखो कहीं पर इनको मर्दों की तरह तुलना की गई है ना, कि किसी भी तरह से वो मर्दों से कम नहीं थी। और यहाँ पे कहा गया एक वीर बालासी, एक बहादुर लड़की की तरह वो वहां पर लड़ती रही। आहुति सी गिर चढ़ी चेता पर, चमक उठी ज्वाला सी। वो कहती हैं कि जैसे आपने पूजा में देखा है कि आहुति दी जाती है ना, तो जब घी डालते कुछ चीज डालते तो आग एकदम से तेज होती है ना, तो वो कह रहे हैं कि वो भी एक आहुति की तरह चिता पर गिर पड़ी, कि मतलब वो मरने के बाद लड़ते लड़ते वो मर गई और एक जैसे आहुति दी जाती है उस तरह से उन्होंने अपने जीवन खत्म करा, लेकिन जैसे आग बढ़ जाती है वैसे ही उनकी जो थी स्वतंत्रता की जो लड़ाई जो थी उसकी आग जो थी उन्होंने चमक उठी। समझ में आया?
जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ना, चमक उठी ज्वाला सी, ज्वाला मतलब आग। जो कभी भी कवि जो है वो बाद में आपको बताते हैं मुख्य बात, यहाँ पे वो कह रहे हैं बढ़ जाता है मान वीर का। जो वीर पुरुष होता है उसका मान, उसका हाँ कब बढ़ता है, रण में बलि होने से, यानी कि लड़ाई में जो लड़ता हुआ मर जाता है, हम उसी को याद करते हैं। आपने देखा कि कितने लोग मर जाते हैं लेकिन हम उनको याद करते हैं क्या? नहीं, हम किन लोगों को याद करते हैं? जो लड़ाई में किसी हाँ किसी चीज में शहीद होते हैं, जैसे हाँ ठीक है, गांधी जी ने भी स्वतंत्रता में, हाँ, और भगत सिंह का नाम सुना है हाँ? कि भगत सिंह जो है, हाँ, मंगल पांडे, इन्होंने अपनी जान दे दी है ना, लेकिन इनका मान कैसे बढ़ गया? क्योंकि लड़ते लड़ते, ये देश के लिए लड़ते लड़ते, देश के लिए लड़ते हुए ये इन्होंने अपनी जाने दी थी, इसलिए उन्हें हम लोग याद करते हैं। समझ आया? तो वो कह रहे हैं कि बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से। अब देखो हमारे देश में कितने लोग, रोज हम लोग खबर सुनते हैं कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग मर गए या कुछ एक्सीडेंट हो गए, पर कोई उनको याद नहीं करता है। लेकिन अगर कोई सिपाही मरता है लड़ाई के मैदान में, जब कारगिल का युद्ध हुआ था आपने देखा ना, याद है आपको कारगिल का युद्ध, उसमें कितने लोग मारे गए थे है ना? जैसे यहाँ पे मनोज पांडे का आपने देखा है कि है ना, तो क्यों मनोज पांडे का मान बढ़ा? क्योंकि वो लड़ाई में, लड़ाई के मैदान में मारे गए थे, इसलिए उनका मान बढ़ा। तो कहते हैं कि रण में बलि होने से क्या होता है, उसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, मूल, अच्छा, मूल्यवती होती होती सोने की, भस्म यथा सोने से। उसके बाद कह रहे हैं रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। वो कह रहे हैं कि रानी जो है वो तो अब चली गई है ना, वो तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो समाधि है वो हमें उनसे भी ज्यादा अब प्यारी है ना? क्यों प्यारी है? क्योंकि आपकी आखिरी निशानी लगती है। अंतिम निशानी है ये, और बहुत सी चीजों की याद दिलाती है ये हमें, है ना, हमारी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की याद दिलाती है हमें, इस बात की याद दिलाती है कि वो एक मर्दों की तरह किस तरह से लड़ी थी, हमारे अंदर भी वो जोश भरता है ना, और उनकी निशानी भी यही है, इसलिए हम उनको बहुत याद करते हैं। तो कह रहे रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी की, ये समाधि जो है अब रानी से भी ज्यादा हमें ये प्यारी है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, यानी कि जो हमारी स्वतंत्रता हमें मिली थी उसकी जो आशा है, जो उसकी उम्मीद हमने की थी, उसकी चिंगारी यानी कि जो शुरुआत है ना, जब कभी भी आग लगती है आप देखते हैं चिंगारी से कैसे आग लग जाती है, तो उसी तरह से ये जो है चिंगारी की तरह थी कि एक है ना, जो आग की तरह पूरे देश में फैल गई और सबके अंदर उसके बाद ही स्वतंत्रता के लिए जोश भरा था या लड़ाई कर, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ उन लोगों ने सबने आवाज उठाई थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं इससे भी सुंदर समाधियां है ना, हम जगत में है पाते कि इससे भी बहुत सुंदर सुंदर समाधियां हैं, लोग बकायदा उसमें काफी सजावट से या नक्काशी करके बहुत सुंदर समाधियां बनाते हैं, लेकिन जग में हम पाते हैं उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। अब वो कह रहे हैं कि इससे भी सुंदर सुंदर समाधियां हैं है ना, लेकिन उनके बारे में जो गाथा है ना, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की जो गाथा है वो हम सब गाते बोलते हैं है ना, लक्ष्मीबाई के बारे में हम सभी बात करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, हम उनके बारे में और जानना चाहते हैं, हम उनके बारे में नाटक करना पसंद करते हैं, कोई भी उनके बारे में चीज होती है हम जानना पसंद करते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति की जो समाधि है उस पे क्या होता है? वो कह रहे हैं उनकी गाथा पर निशीथ में, यानी रात के समय उन समाधियों पे क्षुद्र जंतु ही गाते, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े या जीव जंतु जो रात के समय होते हैं, केवल वही उनकी गाथा गाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब समझ आया कि जो आम समाधि है उसमें अंतर क्या है कि उनकी गाथा गाने वाला कोई नहीं है, है ना, यानी कि रात हो जाती है तो जो कीड़े मकोड़े जो जीव जंतु होते हैं बस वही आवाज करते हैं, यानी कि केवल वही गाते हैं उनके बारे में या वही उनके बारे में बताते हैं और उनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है उसके बारे में सब जानते हैं है ना। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, क्यों कह रहे हैं कि कवियों के लिए इसकी जो कहानी है वो अमिट, मतलब कभी ना मिटने वाली, अमिट का मतलब क्या हुआ,
ना मिटने वाली। और गिरा का मतलब वाणी, कि कवियों की वाणी में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी जो है या उनके बारे में जो है वो एक अमिट कहानी है जो कभी मिट नहीं सकती, है ना। यानी कि इतिहास में आज भी, आज से कई सालों बाद भी, बहुत सालों बाद भी हम उनके बारे में पढ़ते रहेंगे और बहुत से कवि लोग उनके बारे में कविताएं लिखेंगे, लोग नाटक लिखेंगे, लोग कहानियां लिखेंगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि पर कवियों की अमर गिरा में, यानी कि कवियों के पास जो उनकी वाणी है उसमें इसकी अमिट कहानी है जो कभी न मिटने वाली हो। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, कि उनकी जो कविताएं हैं, है ना, जो भी उनके बारे में कवियों ने गाया है या बोला है उसको जो है स्नेह और श्रद्धा, यानी कि हम प्यार से भी गाते हैं और एक रिस्पेक्ट से भी गाते हैं, है ना, श्रद्धा के साथ उनके लिए हमारे मन में भाव होते हैं और वीरों की वाणी जो है वो हम सुनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि वहां के जो लोग थे वो बुंदेल निवासी थे, तो उनके जो वहां के हरबोल जो वहां के लोग थे वो उनके बारे में कहानी सुनाते हैं कवि के, मतलब कविता के फॉर्म में। और वो जो है कविता जो है वो यही बताती है कि खूब लड़ी मर्दानियां, मर्दों की तरह वो लड़ी, और वो कौन थी, झांसी की झांसी वाली रानी थी। तो अच्छी लगी आप लोग की कविता, ठीक है। अब इसको जरा एक बार और बोलेंगे और आप लोग सब हमारे साथ रिपीट करिएगा, ठीक है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यही संचित है यह स्मृति शाला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीत में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमित कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। अब इसमें से कुछ चीजें हैं बेटा जिसके बारे में हम जानेंगे। भग्न का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लाइन है ना, भग्न विजय माला सी, इसका मतलब क्या हुआ, टूटी हुई, हाँ बिखरी हुई या टूटी हुई, ठीक है, टूटी हुई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक शब्द है जिसका निशीत का मतलब क्या हुआ, निशीत का भी हमने बताया था, हाँ निशीत का मतलब अर्धरात्रि, ठीक है, अर्धरात्रि, अर्धरात्रि आपको मालूम है कि इसमें बताया है कि जो और समाधियां हैं, है ना, आधी रात को कौन उनके बारे में गाथा गाता है, केवल जीव जंतु गाते हैं, है ना, तो उसको कहते हैं क्षुद्र जंतु।
क्षुद्र जंतु का मतलब छोटे जीव जंतु, इसका मतलब हुआ छोटे छोटे जीव जंतु, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे गिरा मतलब वाणी, गिरा का मतलब क्या हुआ वाणी। और संचित का मतलब संचित का मतलब है अच्छा। अब लघु का मतलब लघु छोटी छोटी। अब ये सभी शब्दों के अर्थ आप समझेंगे और इनको हम लोग वाक्य बनाओ में प्रयोग करेंगे, ठीक है, वाक्य बनाओ करेंगे इसमें। अच्छा उसमें थोड़े से कुछ प्रश्न है, इनके उत्तर बताइए। रानी की समाधि में किस प्रकार की राख की ढेरी छिपी है, किस प्रकार की राख है, हाँ एक राख की ढेरी, ठीक है। रानी की समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी है, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि स्वतंत्रता की आशा मतलब यानी जो हमें स्वतंत्रता मिली थी उसकी शुरुआत जो है ना वो वहीं से हुई थी। अच्छा रानी की समाधि और अन्य समाधियों में क्या अंतर है, कि अंतिम लीला स्थल है, हमारी बहुत सारी यादें बसी हुई हैं, स्वतंत्रता की याद दिलाती है ये हमें, उनकी बहादुरी की मर्दानगी की याद दिलाती है, और बाकी समाधियों में क्या अंतर है, बाकी समाधियों में क्या होता है कि उनको गाथा गाने वाला उनके बारे में कोई बताने वाला कोई भी नहीं है ना। तो यानी कि रात जब हो जाती है तो केवल कीड़े जो हैं वो ही उनके आसपास रहते हैं उन समाधियों के, और वही अपना बोलते हैं, कोई उसके बारे में याद नहीं करता है। अच्छा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में क्यों अमर है, मर्द की तरह उन्होंने लड़ाई करी थी, मर्दों की तरह उन्होंने लड़ाई करी थी, स्वतंत्रता के संग्राम की शुरुआत उन्होंने करी थी, है ना, जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी आजादी की उसकी शुरुआत जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई के समय पर ही शुरू हो गया था, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पे इसकी इसकी जो शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता की, ठीक है। इसके बाद कुछ इसमें पंक्तियां हैं जिसके भाव आपको स्पष्ट करने हैं, ठीक है। एक है पर कवियों की अमर गिरा में इनकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, एक इसको आप समझाएंगे। और एक ये वाला बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, ठीक है, इसके बारे में हम लोग करेंगे। और ये जो है आप इनमें वाक्य बनाओ इसको करेंगे गृह कार्य में।